नमस्ते जी। आपका नाम? अमरजीत कौर। अच्छा जी, आपके गांव के सरपंच का नाम? कुलविंदर कौर। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप अपने सरपंच से सहमत है, खुश हैं, मतलब कि उन्होंने जो जो काम करवाया है वो ठीक करवाया है? हाँ जी, ठीक करवाया है जी। मतलब क्या क्या करवाया उन्होंने? उन्होंने जैसे कि दो सड़कें हैं जी। अच्छा, दो सड़का बनवाई, स्कूल में भी गलियां बनवाई, नल वगैरह लगवाए, टंकी बनवाई, तो शमशान घाट भी बनवाया। अच्छा, तो वहाँ पर टंकी रखवाई, मतलब सुविधा अच्छी करी है, जो भी करी है। अच्छा। हाँ जी, मतलब आप सहमत है अपने सरपंच से? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, ये है इस गांव में रहने वाले। तो फिर आज हम आपसे सवाल करेंगे कि गांव के सरपंच जो थे, उन्होंने गांव में जो भी काम करवाया, आप उससे सहमत हैं या नहीं? ओके, आप बताइए प्लीज, क्या क्या करवाया उन्होंने? उन्होंने गांव की सारी जो गलियां हैं सीमेंटेड बना दी, सारी गलियां। अच्छा, और जो चार गट्ठे के, दो गोखरा चार गट्ठे के, उन पर दोनों पर एक बार सीमेंट की टाइल लगा दी, एक बार दो ईंट लगा दी। अच्छा, शमशान घाट की चार दीवारी कर दी और ऊपर छड़वा दिया शमशान घाट में। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप सरपंच से सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ, सरपंच बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अगर ये आगे सरपंच बने तो फिर हमारी आगे वाली जो सी जनरेशन है, पीढ़ियाँ, वो इनसे खुश होंगी? हाँ, खुश होंगी। सरपंच अच्छा बहुत काम किया था, काम तो किसी सरपंच ने किया नहीं जैसे ने किया। खेड़े का उद्घाटन किया, खेड़े का पहल समझाई, पहल खेड़े के साथ में पहल बना दिया। अच्छा, और खेड़े के प्रशस्त पा दिया। Okay. बहुत काम किए गाँव के। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? कुलविंदर कौर। आप गांव के सरपंच है? हाँ जी। आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आप कब से सरपंच है? चार साल हो गए। चार साल हो गए। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जब तक आप सरपंच है चार सालों से, आपने गांव में क्या क्या करवाया है? हमने जी शमशान घाट बनवाया, चार दरवाजे करवाई, इसकी बीच में टैला लगाई। ओके। उस पे शेड पुआया सारा। अच्छा, शेड बनवाया। पैलेस बनवाया। पैलेस का सारा बनवाया, और बाहर टैला लगाई, नाले बनवाई। अच्छा, और मैंने सुना आपने रोड्स भी बनवाए हैं, गलियां। हाँ जी, गलियां बनवाई, कहीं बाहर वो जेरी मेन फिरनी है वो सड़क बनवाई, एक और सड़क में काम लग रहा है वो बनवाई। अच्छा जी, लाइटा लगवाई, साफ सफाई करवाई गांव की, और बीच में बहुत काम करवाई जी। ओके, आप हमें ये बताइए कि मतलब कि अब आगे आने वाली जो सी पीढ़ियां है, जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि गांव में क्या क्या बदलाव आने चाहिए? गांव में जी स्कूल होना चाहिए, एक तो जी। हाँ। दसवीं तक का जी बहुत। अच्छा। परेशानी रहा जी। हाँ। अच्छा, और जैसे कोई छोटा मोटा अस्पताल भी होना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, पशुओं का भी होना चाहिए। हाँ। जानते जी। हाँ। बाकी साफ सफाई रहनी चाहिए गाँव। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, आप मतलब कि अब तक सरपंच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं? कुछ खुश है जी, कुछ है भी नहीं है बीच में। हाँ, मतलब कि सबके अपने, तो चलता ही रहता है बीच में, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मतलब कि आप सरपंच बने हैं, तो फिर आपके अपोजिट में कौन खड़ा था? मतलब कि जैसे वोट्स के लिए होते हैं ना, कौन कौन था? मतलब कि हमारी भी बराबर कौन खड़ा था? हाँ जी, हमारे बराबर में जी एक ही वो खड़ा था, गुरदीप सिंह। ओके, गुरदीप सिंह। ओके, थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर इंटरव्यू टू अस।